और यहाँ पे कुछ फंक्शन जो है लैग कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रॉपर सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग को सर्च करना है, तो आपको सेम टाइम में प्रेस कर लेना है कुछ इस तरीके से। अगर आप भी रियलमी का डिवाइस यूज करते हैं और किसी भी कारण से आपका सिस्टम जो है लैग करता है, आप डिवाइस को सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं, और यूज करने में मतलब कोई भी चीज आप क्लिक करते हैं थोड़ा सा टाइम लग जाता है, या फिर आप कोई भी फंक्शन यूज करते हैं उसमें आपको लैगिंग का प्रॉब्लम जो है देखने को मिल रहा है अपने डिवाइस में, तो आज की इस वीडियो के थ्रू काफी अच्छी ट्रिक्स बताने वाला हूं, इनको आप फॉलो कर सकते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो टेलीग्राम भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप भी रियलमी का डिवाइस यूज करते हैं और आपको यहाँ पे किसी भी मतलब सिस्टम में आप यूज कर रहे हैं और सिस्टम आपका लैग कर रहा हो, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए कुछ यहाँ पे टिप्स बताना चाहूंगा। यहाँ पे अगर आप इन प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो शायद से आपका सिस्टम यहाँ पे जो लैगिंग प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। देखिए, सबसे पहले ऑलमोस्ट रीजन क्या होता है यहाँ पे सिस्टम को लैग होने का, देखिए क्या होता है, कभी कभी नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं डिवाइस में, आप ऐसे में जो प्रीवियस अपडेट आता है और प्रीवियस अपडेट आप करे रहते हैं, उसके बाद जब नया अपडेट आता है तो नए अपडेट को जैसे ही आप करते हैं कभी कभी आपको सिस्टम के थ्रू जो है लैग देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर आपको सिस्टम के साथ ही अगर लैग देखने को मिल रहा है, मतलब सिस्टम आपने अपडेट किया उसके बाद आपका डिवाइस अगर यहाँ पे लैगिंग का अगर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो उस समय जो प्रॉब्लम होगी वो आपके सॉफ्टवेयर में ही प्रॉब्लम होगी, वो जो है सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ही ठीक हो सकती है। और इनकेस अगर आपका कुछ ही सिस्टम लैग कर रहा है, मतलब बाकी सब प्रॉपर तरीके से फंक्शन आप यूज कर रहे हैं, सब प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ फंक्शन जो है लैग कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रॉपर सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, सेटिंग में चले जाना है, मिलता है ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन, सिंपली आपको उस पर टैप कर देना है और यहाँ पे आपको ऐप लिस्ट में जो है टैप कर देना है। सिंपली यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, सो यहाँ पे सो सिस्टम पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको सिंपली सर्च कर देना है सिस्टम को, ठीक है। आपको क्या करना है, सिस्टम यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे आप सिस्टम को सर्च करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे आपको सर्च करने के बाद यहाँ पे नीचे मिलता है सिस्टम यूआई का एक ऑप्शन, सिंपली इस पर टैप कर देना है और यहाँ से इसको जो है फोर्स स्टॉप कर देना है और यहाँ पे इसको जो है इसका डेटा जो है क्लियर कर देना है, ठीक है। आप सिंपली आपको बैक चले आना है, बैक आने के बाद यहाँ पे मिलता है आपको सिस्टम लॉन्चर का ऑप्शन, सिंपली इस पर टैप करके और इसको भी जो यहाँ पे इसका डेटा जो है क्लियर कर देना है। जैसे ही डेटा क्लियर करेंगे बैक चले आना है और यहाँ से इसको सिस्टम यहाँ पे इसको जो फोर्स स्टॉप कर लेना है, ठीक है। ये फोर्स स्टॉप करने के बाद क्या होगा, देखिए आप बैक ले लेना है आपको, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग को सर्च करना है और यहाँ पे सेटिंग मिल जाती है आपको, सेटिंग पे जो टैप करना है, यहाँ से इसको जो है क्लियर करना है और यहाँ पे बैक चले आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको फोर्स स्टॉप पे जो है क्लिक कर देना है। जैसे आप फोर्स स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो आपका डिवाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है पूरा आप सेटिंग के बाहर आएंगे। अब आपको करना क्या है, अपने डिवाइस को जो यहाँ पे जो पावर वाला की है इसको प्रेस करना है और साथ में यहाँ पे वॉल्यूम अप वाला की है सेम समय में प्रेस करना है 10 सेकंड तक, ठीक है। तो आपको सेम टाइम में प्रेस कर लेना है कुछ इस तरीके से और थोड़ा सा वेट कर लेना है यहाँ पे जब तक कि आपका डिवाइस जो है रिस्टार्ट होता है। और यहाँ पे प्रॉपर मैंने यहाँ पे 2-3 मेथड बताया, इनको आप यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा डिवाइस यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे रिस्टार्ट होने लग गया, ठीक है। आपको सेम समय में प्रेस करना है, ठीक है, यहाँ पे पावर वाला की और यहाँ पे वॉल्यूम अप वाला की, ठीक है। जब आप सेम समय में प्रेस करेंगे तो आपका डिवाइस यहाँ पे जो रिस्टार्ट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और इसमें आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब कि यहाँ पे जैसे सिस्टम लैगिंग का प्रॉब्लम हो या फिर और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आपको सिस्टम अपडेट के साथ देखने को मिलती है, छोटी मोटी जो भी होती है, ठीक है, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम जो है दूर हो सकती है। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट में ही आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो नेक्स्ट अपडेट में फिक्स हो जाएगा, बाकी हल्की फुल्की प्रॉब्लम जो है आप यहाँ से जो है फिक्स कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ से हम यहाँ पे डिवाइस को जो अनलॉक कर लेते हैं, तो चलिए यहाँ से हम डिवाइस को अनलॉक कर लेते हैं। जैसे हम डिवाइस को अनलॉक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डिवाइस जो अनलॉक हो गया है। अब यहाँ पे आप जो यूज कर सकते हैं अपने डिवाइस को काफी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं अपने डिवाइस में और डेफिनेटली कहीं ना कहीं हद तक जो आपका प्रॉब्लम है वो यहाँ पे दूर हो सकता है जैसे आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं उसके बाद, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।